देखो चिकने बन गए, चिकने पूरा दिन इनका कल बाथरूम में भैया, कभी कुछ कर रहे हैं। ये कुछ चौंकाना है इधर के। अब तो ये गांव के ही हो गए। अब तो गेट भी नहीं खोलू भाई मैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा खुश रहना। अभी बज रहे सुबह के 7:15, तो मैं उठ गई हूँ आज 6:30 बजे, क्योंकि बेटे ने जाना है ऑफिस। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज मेथी के पराठे। तो मैंने आटा गूंथ के रख दिया, मेथी काट कूट के अच्छे से साफ करके। और इनका चल रहा है टीवी, आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह सुबह 6:30 बजे से टीवी देखने लगे, तो जैसे वो 80 साल के बुढ़े होते हैं ना, वैसे ही बैठ गए हैं और सुबह सुबह देख रहे टीवी। बताओ 80 साल के बुढ़े कौन बच रहा है? 80 साल का बुढ़ा कोई बच रहा है? कोई बच रहा है 80 साल? तो मैं जगह तो साल ही मेरी जगह छोड़ किला कम इक्का दुक्का केस होते हैं ऐसे। अच्छा, तो तुम पहली है कजा 80 साल का गांव जाके देखना जरा इनको। देखो आज तो चमक गए, चमक गए। जो परसों आए, परसों ऐसा तुम कल तो आया। कल क्यों आया? परसों रात को। कल तो बिल्कुल देखो चिकने बन गए, चिकने पूरा दिन इनका कल बाथरूम में भैया, कभी कुछ कर रहे हैं। ये कुछ चौड़ा दिया है कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। मैनीक्योर, पेडीक्योर, फेस का क्योर, ऐसे चमक गए बिल्कुल। हो रहे क्या कहने। गांव में अच्छा लगा? यहाँ अच्छा लग रहा है। अब तो ये गांव के ही हो गए। अब बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। कोहरा हो रहा है, घुप अंधेरा है। वो दिखा रही हूँ, क्या बोलते हैं, कोहरा। मैं दरवाजा नहीं खोल यार, अंदर से ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखो कोहरा आ रहा है ऐसे, और इस कोहरे में ना ऐसे धुएं की जैसी स्मेल आ रही है। मेरे को पता नहीं भैया कोहरा है क्या है। वैसे अब तो कोहरा ही होगा क्योंकि कल बारिश हुई थी ना। अभी छत पर जाऊँगी थोड़ी देर में। अभी मैं यहीं से दिखा रही हूँ आप लोगों को। जी नहीं तो गेट भी नहीं खोलूँ भाई मैं। सुबह के बज रहे हैं 8, तो मैं आई हूँ अपने छत पे। आप लोगों को दिख रहा होगा बाहर मौसम इतना खतरनाक वाला हो गया ना आज, तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया। मैं उठी थी 6 बजे, तो उस समय भी ऐसे ही कोहरा था, और आज लग रहा पूरा दिन भर ये कोहरा रहने वाला है। और आज मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने, मैंने कल नहीं धोए थे। कल एक तो काम में बिजी हो गई थी, फिर बारिश भी हुई थी आधे दिन तक, तो मैंने सोचा कल नहीं सूखेंगे। आज तो और भी ज़्यादा भयंकर वाला मौसम हो गया, पर क्या करो आज तो धोने भैया इनके गांव के कपड़े हैं, और गांव की स्मेल थोड़ी वैसी होती है ना, तो वैसे भी धोने हैं। फिर सफ़र वाले कपड़े हैं, तो आज तो पक्का धोने इनके भी हैं, मतलब घर के सभी लोगों के। और बेटा गया ऑफिस, वो चला गया 7:30 बजे, तो मेट्रो से जाता है। पर ठंड हो रही है, मतलब ठंड पहले से तो बहुत कम है, परसों से कम है ठंड, लेकिन कोहरे का ऐसा तांडव हो गया आज तो बहुत बुरा हाल हो गया। थोड़ा सा आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, पर जब मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना, उतने अच्छे से दिखता नहीं है कैमरे, जितना मतलब कोहरा, जितना कोहरा हो रखा है। फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को दिखेगा इसमें ना, इसमें दिखाई नहीं देता, इतना भयंकर हो गया है बहुत ज़्यादा। चलो जो भी है, थोड़ी बहुत बारिश आ गई, उससे मुझे शांति मिल गई भाई। लोगों को तो मिली होगी, नहीं मिली होगी, थोड़ा सा उससे धूल मिट्टी बैठ गई है। जो प्रदूषण है हल्का पुल्का, वो भी कम हो गया होगा, क्योंकि दिल्ली तो प्रदूषण का गैस चैम्बर बन चुका है प्रदूषण से। तो आप देख सकते हैं इस साइड ही, क्योंकि बैक कैमरे से ना इतने अच्छे से दिखाता नहीं जितना कोहरा हो रखा है। आज मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा। कल नहीं कर पाई थी ना, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद आए थे। फिर घर में जैसे कोई आता है, पहले ये आए, फिर बेटा आया सुबह, तो रात भर में वैसे नहीं सो पाई। फिर बेटा सो गया था, उसके बाद ऑफिस जाना, ये करना वो करना, थोड़ा सा कल दिक्कत हो गई थी बारिश की वजह से ना, और किचपिच हो गया। कहते हैं ना 100 दिन की धूप और 1 दिन की बारिश, जितना हम 100 दिन के धूप से परेशान होते हैं, उतना हम 1 दिन की बारिश से परेशान होते हैं। तो वही हुआ, होता है मतलब पक्का, वही मेरे साथ भी हुआ। तो जाती हूँ नीचे, और वो पहले टीवी देख रहे थे, अब लगे हैं मोबाइल पर देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, क्योंकि ये गांव में थे ना, तो गांव में इनके फ़ोन पे अच्छे से सिग्नल नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से नेट कहाँ से आता, तो इन गांव में नहीं देख पाए थे।
वैसे देखते नहीं है, बहुत कम देखते हैं, पर अभी देख रहे हैं। तो चलो अब मैं शुरू हो जाती हूँ अपना बहुत सारा काम करने पर। राधे राधे, कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी होंगे, सदा खुश रहना। इससे पहला वाला ब्लॉग जो है 3 दिन पहले का है मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फिर से बहुत ज़्यादा। पहले तो जुकाम आ रहा था, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि ये आ रहे हैं तो मेरी तबीयत ख़राब है, फिर बोलेंगे मेरे को कि माँ आया तभी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन इनके आने के बाद मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब मेरी ऐसी हुई थी, जर बुखार ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम बस से कहीं गए थे काम से, और जैसे ही उस बस में मैं बैठी, मेरे को ऐसी उल्टियाँ आने लगी, जो सफ़र वाला होता ना तो वो हो गया था वो मेरे को लगातार। हम गए थे शुक्रवार को, तो शुक्रवार दिन में गई वो तो पूरा रहा, फिर रात में रहा, शनिवार को, कल, संडे, मंडे, मतलब आज मंगलवार है। आज मेरे को थोड़ा सा घर में इतनी स्मेल नहीं लग रही, आप सही में यकीन नहीं मानेंगे। मैं जब वहाँ से आई, अपने सारे मैंने जितने भी कपड़े पहने थे वो सब उतार के फेंक दिए, उसके बावजूद मेरे को घर में हर चीज़ पर वो गाड़ी की बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया मेरे को, तो मेरे से सफ़र में बिल्कुल भी नहीं जाया जा रहा कहीं भी, मतलब गाड़ी में। पैदल तो मैं चले जाऊँगी भाई, चल पाऊँ ना चल पाऊँ, वैसे तो पैरों में भी इतनी ताकत नहीं है। तो उसकी वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, और मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। जैसे खाना तो छोड़ो, पानी भी पी रही थी ना, वो यहाँ से मेरा ऊपर को आ रहा था, बहुत गंदी हालत हो गई थी मेरी। तो इससे पहले वाला ब्लॉग जो है 3 दिन 4 दिन पहले का है मिक्स, और काम की वजह से फिर बारिश भी हो गई थी और फिर ये आए थे बहुत दिनों बाद, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और दूसरी समस्या ये है कि मेरा माइक जो है ख़राब हो गया। तो अब मेरा बेटा आ रहा है यहाँ पर बिके, तो बोला था मैं ऑर्डर कर दूँगा तो आ जाएगा 1-2 दिन में। तो उसमें क्या होता ना कि आवाज़ क्लियर आती है, तो मेरी आवाज़ वैसे ही नहीं है, फिर बीमार हो गई थी उसकी वजह से, और आवाज़ मरी सी और हो गई थी, और फिर काम में भी बिजी हो गई तो उसकी वजह से नहीं बना पाई। तो अभी बज रहे सुबह के 8:30, और आधा काम मेरा हो चुका है सुबह वाला, आधा काम मेरा बाकी और बचा है। तो काम वाम करते जाऊंगी, और इससे पहले वाला जो ब्लॉग है तो बनाया तो था मैंने, कहा मैं डालूंगी करके, वो भी 2 दिन का है, उसमें 1 ही दिन का नहीं है, 2 दिन का ब्लॉग है। तो ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ, और आप लोग भी ऐसे मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन मैं रेगुलर नहीं डाल पाती हूँ, गलती तो मेरी है, क्योंकि कभी कुछ वजह हो जाती है, कभी कुछ वजह हो जाती है, और बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। तो काम वाम भी कर रही थी, मेन चीज़ है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, जर बुखार उससे अच्छा है, लेकिन ये वाला जो है ना, मैं आपको आपसे बात करी, मेरे को बस की फीलिंग मेरे को हो रही है, ऐसे मन करा कि अभी सारा बाहर निकल जाएगा, इतना गंदा। उस बस में जैसे घुसी ना मैं, वैसी बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा मैं तो अब गई इस बस में, और पागल जैसा पता नहीं कैसी बस चला रहा था कि जैसे पहाड़ों में चला रहा होगा, टेढ़ी में टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था। ऊपर से उसने सवारी सिर्फ उसमें 3 थे, 2 हम थे और 1 और था, और 2 वो कंडक्टर और ड्राइवर, और गाड़ी उसने पूरी ऐसे भगा के ले जा रहा जैसे रेस में जा रहा होगा। उसकी वजह से मेरे को और भी जो टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था ना, एक तो उसकी बस में घुसते ही इतनी गंदी वाली बदबू थी, मतलब जैसे कि जिनको उल्टियाँ आती है सफ़र वाली ना, उनको तो महसूस हो जाता, बाकी और लोग आप ये भी साथ में थे, इनको थोड़ा ना आई, बहुत भयंकर वाला। मेरे को अभी भी उस बस का वो ना महसूस हो रही बदबू ऐसी। तो उसकी वजह से अब तो मेरा मन ऐसा करा, जो बाहर ये हॉर्न बज रहे हैं ना गाड़ियों के, मुझे उनसे भी ऐसा हो रहा कि मेरे को अभी उल्टी आ जाएंगी, भाई कैसी बीमारी है भगवान। तो वीडियो बाकी इससे आगे जो बनाऊंगी वो आप लोगों के पास कल आएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। भलू लगदु, भलू लगदु मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे।